नमस्कार जी। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये इतना गला बुन लिया है, शोल्डर भी बुन लिए हैं और आगे पीछे का भी, तो हमने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमने अब ये पार्ट बुनने हैं। आप चाहो तो सर्कुलर सिलाई से ये फ्रंट का भाग और बैक का भाग पहले बुन सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सर्कुलर सिलाई नहीं है तो आप पहले बाजू बुन सकते हैं, दोनों बाजू पहले बुनिए, उसके बाद आपने फ्रंट और बैक का भाग इकट्ठा घुमाकर बनाना है, जहां से फंदे उठेंगे और घूमकर बनेंगे। उसमें अंडर आर्म्स नीचे शोल्डर के हमने कैसे बढ़ाना है, शोल्डर के नीचे जो बाजू जब स्टार्ट होती है जहां से, तो वहां कैसे फंदे बनाने हैं वो बताएंगे, और जो डिजाइन बनाना है वो बताएंगे। तो इसलिए हमने पहले ही एक बाजू का डिजाइन बना लिया है और बाजू की लेंथ भी हमने बना ली है, ठीक है। जितनी हमें एक साल के बच्चे की चाहिए उतनी हमने बना ली है। जी देखिए, अगर तो जहां से लेकर जहां तक बनाते हैं तो जी देखिए 8.5 इंच बनी है। अभी आगे बॉर्डर बनना है ना, तो इसको हम फोल्ड करेंगे। जैसे ये सर्कुलर सिलाई पे है तो ऐसे हमने ये बाजू बनानी है। बाजू हम दूसरी तरफ नहीं बनाई क्योंकि आपको बताने वाले हैं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, जहां से लेकर जहां तक 9.5 इंच बनती है और 4 सिलाई का या 6 सिलाई का हम आगे बॉर्डर भी बनाएंगे। लेकिन इस बाजू को कैसे बनाना है और ये डिजाइन कैसे बनाना है वो आपके साथ हम दूसरी बाजू से शेयर करेंगे। तो दूसरी बाजू में देखिए, जो हमारे जितने भी फंदे हैं, हमने आपको बताया था कितने फंदे हैं, तो उन फंदों को हमने 3 फंदे इधर बनाने हैं, 3 इधर। तो पहले हम ये फंदे ले लेंगे, इसके हाफ हमने किया हुआ है जहां भी मार्क लगाया है और जहां के इसके बीच वाले फंदे हम उठा लेंगे सिलाई पे। जो देखिए, हमने ना इसमें थ्रेड डाल दिया था, एक थ्रेड पूरे राउंड में, तो उसी से हम फंदे ले रहे हैं। अब हम थोड़े से थ्रेड को ऐसे खींचेंगे और फंदे ले लेंगे। इन फंदों को हम नहीं छेड़ेंगे, जे फ्रंट के हैं, जे हम बाद में लेंगे, है ना। तो इन फंदों को हमने लेना है और इधर से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन फंदों को सिलाई में उठा लेंगे और बता देंगे कि कितने फंदे हैं। हाँ जी देखिए, ऐसे हम सिलाई में फंदे उठा लेंगे और थ्रेड निकालते जाएंगे, ठीक है। ऐसे फंदे भी नहीं गिरते, अगर आपने सिलाइयों दूसरी लॉन्ग सिलाइयों में डालने हैं तो डाल सकते हैं, वैसे अगर थ्रेड से डाल के रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, फंदे कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे हम सारे फंदे जहां तक उठा लेंगे और जहां भी हम थ्रेड काट देंगे रेड वाला जिससे हमने इसको रखा था, हम पूरे ही निकाल देंगे और फंदे उठा लेंगे। आराम से उठ जाते हैं फंदे, जल्दी नहीं मतलब मचानी, बस आराम से ऐसे ऐसे फंदों को डालते हुए डाल लीजिए। जी देखिए फ्रेंड, ये ना 46 फंदे हैं। अब ये बाजू जैसे हमने इधर बुनी है ना जे, ऐसे ही बुननी है। हमने ये 4 सिलाई जो लाइनें थी उल्टी उल्टी डाली हुई हैं, तो इधर से ही राइट साइड आएगी, तो हम जहीं से इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इधर 3 फंदे बढ़ाएंगे, चाहे आप पहले पूरी सिलाई बुन लीजिए ऐसे, वरना प्रॉब्लम भी आ सकती है थोड़ी सी। आप अगर इधर ही फंदे बढ़ाने हैं, हमने ऐसे ही बढ़ाए थे, तो एक फंदा बढ़ाया ऐसे बुना और बढ़ा लिया, है ना, फिर दूसरा फंदा उसी फंदे को दोबारा बुना और बढ़ा लिया, 2 फंदे बढ़ाए, 1 फंदा और बढ़ाएंगे, तो हमारे कितने फंदे बढ़ गए, 3। हमने जहां पे 46 फंदे थे 3 फंदे और बढ़ा लिए, 49 फंदे हमारे हैं। अब इन फंदों को हम बुनेंगे और डिजाइन देंगे, 2, 3 और हम ना स्टार्टिंग में 4 फंदे बुनेंगे,
जहाँ हमने बुने थे ना चार स्टार्टिंग में, तो हम स्टार्टिंग में चार फंदे बुन लेंगे। अब हम डिज़ाइन डालेंगे, डिज़ाइन को आपने ध्यान से देखना है। थ्रेड आगे करेंगे, इस फंदे को पलटाएंगे और दो का एक करेंगे, ठीक है। दो का एक किया, फिर हम चार फंदे सिंपल बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे सिंपल बुने। अब सिंपल दो का एक करेंगे तो हमारे ये छह जाली के बाद छह फंदे आएंगे, दो चार छह। तो अब हम फिर जाली डालेंगे, क्योंकि हमने जहां भी फंदा कम किया जाली डाली, अब जहां हमने सिंपल दो का एक किया है जाली डाली और दो फंदे हम सिंपल बुनेंगे, ठीक है। दो फंदे सिंपल बुने, फिर जाली डाली, इस थ्रेड को पलटाया और दो का एक किया, दो का एक किया, आगे सिंपल चार फंदे बुनेंगे, दो तीन और चार, फिर दो का एक करना है सीधा ही ऐसे सिंपल। दो का एक किया, जाली डाली और दो फंदे सिंपल बुने, बीच में दो फंदे सिंपल आगे, फिर जाली डाली, फंदा पलटाया ऐसे और दो का पीछे को एक किया, बीच में चार फंदे सिंपल बुने, एक दो तीन चार, फिर दो का एक किया सिंपल सीधा ऐसे, जाली डाली, जैसे ही दो का एक करना है जाली डाली, दो सिंपल बुने, ठीक है, फिर जाली डाली और दो का एक किया फंदा पलटाकर। बहुत आसान डिजाइन है, इसको बिगिनर भी बना सकते हैं। एक दो तीन चार फंदे सिंपल बुने बीच में, फिर दो का एक किया ऐसे, फिर थ्रेड आगे किया और दो फंदे बुने सिंपल, और जाली डाली और दो का एक किया, फंदा पलटाया, दो का एक किया और लास्ट में हमारे तीन फंदे बचते हैं, एक दो तीन, और तीन फंदे हम और बढ़ाएंगे। जहां हमारे हमने चार फंदे बुने थे सिंपल, एक दो तीन चार, फिर दो का एक किया था, जहां हमने जाली डाली दो का एक किया और तीन फंदे बाकी सिंपल बचे, आगे हमने तीन फंदे और बढ़ाने हैं, तो हम इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, एक फिर बढ़ाएंगे दो, फिर बुनेंगे इसी को तीन, तो हमने तीन फंदे बढ़ा लिए जे, इधर भी, इधर भी तीन, इधर भी तीन, ठीक है। अब हमने इन फंदों को उल्टा ही बुनना है और पूरी सिलाई उल्टी बुननी है, ठीक है। तो हम पूरी सिलाई आपको उल्टी बुनकर, जो जाली डाली है वो भी बुनना है, उल्टी बनाएंगे। जे देखिए फ्रेंड, हमने दो सिलाइयां बना ली है। अब आगे फिर इस डिजाइन को बनाएंगे, तो हम एक फंदा सिंपल, सॉरी, एक फंदा सिंपल चेन के लिए उतारा है, दूसरा बुना, तीसरा भी बुना, चौथा भी बुन दिया, अब पांचवा भी बुन दिया, ठीक है। अब थ्रेड आगे करेंगे, फिर इस जाली पे दो का एक करेंगे, दो का एक किया, अब बीच में हम सिर्फ दो फंदे सिंपल बुनेंगे, एक दो, ठीक है। अब फिर हम दो का एक करेंगे सिंपल वाला, ऐसा ऐसे आएगा, और जाली डालेंगे, और अब बीच में हम जाली के बाद चार फंदे सिंपल बुनेंगे, जो सिंपल दो बुने थे अब चार हो गए, और जहां हमारा ये डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है, ये देखिए ऐसा डिजाइन बनेगा, ये डिब्बी बनती जाएगी, इधर फंदे बढ़ते जाएंगे, ये घटते जाएंगे और बीच में बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब इसी डिजाइन को फिर बनाते हुए हम जाली डाल लेंगे, जाली डली हुई है तो हम जहां पे दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे तो बीच में दो सिंपल आएंगे, तो हम इस फर्स्ट वाले फंदे को पलटाएंगे,
दो का एक करेंगे, दो फंदे बुनेंगे, दो का एक करेंगे, ठीक है, ऐसे जाली डाल लेंगे, चार फंदे अब सिंपल बुनेंगे, बीच वाले जो दो बुने थे वो चार हो जाएंगे, फिर जाली डाल लेंगे, दो का एक करेंगे, अब दो फंदे बीच में सिंपल बुनेंगे, दो का एक सिंपल करेंगे, ऐसे इधर को जाली डाल लेंगे, चार फंदे सिंपल बुनेंगे, एक दो तीन चार, जाली डाल लेंगे, फंदा पलटाएंगे, दो का एक करेंगे, बीच में दो फंदे सिंपल बुनेंगे, दो का एक करेंगे, जाली डाल लेंगे, चार फंदे सिंपल बुनेंगे, जाली डाल लेंगे, दो का एक करेंगे, ऐसे, और लास्ट वाले चार फंदे हम सिंपल बुनेंगे। तो हमारे टोटल फंदे हो गए 46, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 52 फंदे हमारे टोटल हो गए। रॉन्ग साइड हम पूरी रॉन्ग ही बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, चार सिलाई हमने बना ली है, छह सिलाई का डिजाइन है, तो छह सिलाई हम क्या करेंगे, फिर सीधे बुनेंगे, दो तीन चार पांच छः, छः फंदे सीधे बुने, ये हमारे बड़े हुए हैं, ये देखिए। फिर हम दो का एक करेंगे, दो का एक करेंगे, इस फंदे को पलटाएंगे, पहले वाले को दो का एक करेंगे, फिर आगे दो का एक करेंगे, तो हमारे दोनों साइड आपस में जुड़ गए। अब जाली डाल लेंगे और बीच वाले हमारे छह फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छः, सिंपल फंदे छः हो गए। जाली डाल लेंगे, थ्रेड फंदे को पलटाएंगे, दो का एक करेंगे, फिर दो का एक करेंगे, ऐसे, फिर जाली डाल लेंगे और छह फंदे सिंपल बुनेंगे। तो हम ऐसे पूरी सिलाई बनानी है, सेम यही डिजाइन। ये देखिए लास्ट में हमने दो का एक किया है जाली डाल के, और लास्ट में तीन फंदे लास्ट वाले सिंपल बुनेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड पूरी उल्टी आएगी। ये देखिए फ्रेंड, छह सिलाई में हमारा डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गया है ना। अब हमने आगे छह सिलाई सीधी सीधी बनानी है, सीधी तरफ से सीधी, उस तरफ से भी सीधी, ऐसे हमें पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, कोई फंदा हम घटाएंगे नहीं और ना ही बढ़ाएंगे, जितने फंदे हैं सबको सिंपल ऐसे बुन लेंगे। ये दो फंदे भी सिंपल बुनेंगे, बाकी के भी, मतलब पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और रॉन्ग साइड से भी हम सीधी बनाएंगे। तो हम कितनी सिलाइयां बनाएंगे, हम छह सिलाइयां बनाएंगे सीधी सीधी, और हमारा डिजाइन कुछ ऐसा दिखेगा। जी देखिए तीन लाइनें, एक दो तीन, छह सिलाइयां हमने फिर बनानी है, उसके बाद फिर हमने डिजाइन को स्टार्ट करना है। जी देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बना ली है, डिजाइन ऐसा दिख रहा है। अब हमने रॉन्ग साइड से भी सीधी सिलाई बनानी है, ऐसे, पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे, तो जो हमारी राइट साइड है उधर ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो हम बनाकर आपको छह सिलाइयां फिर दिखाते हैं। ये सेकंड है, चार और बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने क्या किया, हमने ये छह सिलाइयां बनाई, तीन लाइनें बन गई है ना। अब सेम डिजाइन हम ऊपर शुरू करेंगे जैसे किया था। तो हमने पहले सीधे चार फंदे बुने थे, दो तीन चार, है ना, फिर हमने जहां जाली डाली थी तो सेम वैसे करेंगे, जाली डालेंगे और फंदा पलटाएंगे और दो का एक करेंगे, ठीक है। बीच में चार फंदे सिंपल बुनेंगे, एक दो तीन चार, जैसे जे बुने थे चार फंदे, है ना, ऐसे बुनेंगे चार, फिर हम जे वाला दो का एक करेंगे। तो सेम डिजाइन हमने जहां से स्टार्ट करना है, तो हमारा सेम डिजाइन बनता जाएगा।
तो हम दो फंदे, हाँ पहले हमने फंदा पलटाना है और दो का एक इस तरफ करना है। हाँ ये फंदा हमने दो का एक पलटा के किया है, जे वाला हमने सिंपल करना है ऐसे, ठीक है। फिर आगे जाली डालेंगे, जो ये दो फंदे सीधे बीच में है, ये सीधे बीच में दो फंदे ही बुनेंगे और फिर जाली डालेंगे और फंदा पलटाएंगे और दो का एक। तो ऐसे हम पूरा डिजाइन बनाकर आपको दिखाते हैं पूरी। अब हमने बाजू बनानी है पूरी, फिर आगे बॉर्डर बनाना है। जैसे हमें बाजू बना लेंगे तो हमारी बाजू, ये देखिए हमने एक बनाई है ना, तो हमारी बाजू एक दो तीन चार, तो चार हमने मतलब डिजाइन डालने हैं इसमें। आप कोई भी सिलाई लगाइए, अगर आपके पास सर्कुलर नहीं है तो आप दो सिलाई पे भी बना सकते हैं। इसीलिए हमने पहले बाजू बना ली है कि आपको आसानी हो जाए। तो हम ये सारे फंदे इसी सिलाई पे लाकर अब हम बॉर्डर बनाएंगे। ऐसे हम ना इसको पीछे कर लेते हैं फंदों को, ये देखिए है ना। तो इस सिलाई से अब हम बॉर्डर बनाएंगे। तो हमारा ये डिजाइन बन चुका है, एक दो तीन चार। अब हम फिर वही सीधी सिलाई बनाएंगे पूरी और छह सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, जब हम सीधी सिलाई बनाएंगे अब फिर दो का एक करेंगे सिंपल। तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर दो का एक करेंगे, बाकी के फंदे हम सिंपल बुन लेंगे ऐसे, ठीक है। तो जहां हमने दो का शायद एक नहीं किया था, जहां भी कर लेंगे, तो हमारे इतने टोटल फंदे बच जाएंगे जितने भी बचे हैं। अब इन ए नीचे बाजू का बॉर्डर है, इसको हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब उस उधर से भी सीधा बुना, रॉन्ग साइड से भी सीधा बुनेंगे ऐसे। ये देखिए जे वाली सिलाई है ना, ये फिर ज्यादा फंदे हो तो जैसे इसमें लगाएंगे हम सर्कुलर वाली सिलाई, तो वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज तो हम आपको बाजू ही बताने वाले हैं। ऐसे ना वीडियो लंबी हो जाती है और फिर मेरे व्यूअर्स है ना, वो फिर उनको पता नहीं कई बार चलता, क्योंकि इस स्वेटर की बहुत वेट कर रहे हैं सारे कि आ मैम प्लीज बनाइए, हमने बनाना है। तो बस ऐसे हम सीधी सीधी छह सिलाइयां बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे मार्क लगे हुए हैं फ्रंट का और बैक का, और ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। हमने एक जहां कम किया फंदा, एक जहां ऐसे हमने फंदे कम किए, हमने ना ये 40 फंदे बचे हैं। अगर आपने इससे भी टाइट बॉर्डर बनाना है तो आप 5 फंदे और कम कर सकते हैं, लेकिन हम 40 फंदों का ही बनाएंगे। टोटल 40 फंदे हैं। जब इसका बॉर्डर बन जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे और उसको बाइंड कर देंगे। तो अभी हम सीधी सीधी सिलाइयां बना रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि इसके 40 फंदे आपने रखने हैं और डिजाइन कंप्लीट करना है। जी देखिए फ्रेंड, हमारी ना ये तीन लाइनें हो गई हैं, तीन तीन हमने इसमें दी है, जहां हमने चार दी थी और गले पे भी हमने चार लाइनें दी थी। अगर आप चाहें तो जहां चार लाइनें भी बना सकते हैं, लेकिन डिजाइन के हिसाब से हमारी थोड़ी बाजू लंबी हो रही है तो हम जहीं बंद कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसको ऊपर से टपाएंगे। अब हम बाइंड कर देंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे ऐसे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, इसको ऊपर से टपाएंगे, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे। तो हम इसको ना ऐसे बाइंड कर देंगे, ऐसे आएगा सुंदर सा बाइंड होके, फिर सीधा बुनेंगे और बाइंड कर देंगे। अगर आपको डिजाइन के हिसाब से लंबी लगती है बाजू, बच्चे की आप बाजू नाप सकते हैं, अगर लंबी लगती है बाजू तो आप ये जो लाइनें हमने तीन बनाई है तो तीन ही बनाइए, चार बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसी हिसाब से फिर आप बनाइए, अपने बच्चे की गले से लेकर हाथ तक नाप लीजिए। जी देखिए ऐसे हम बाइंड करते हैं।
बहुत टाइट बंद नहीं करना है, थोड़ा लूज रखना है कि बच्चे के हाथ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो हम बाइंड करके फिर आपको दिखाते हैं कैसी बनी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने बाइंड कर दिया है अच्छे से। ठीक है, अब हम जितना सिलाई के लिए थ्रेड रखना चाहते हैं उतना रख कर बाकी थ्रेड हम काट देंगे। और इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर बन के आई है। और जब हम जहां पे रखेंगे इसको तो आप देख सकते हैं ये हमारे वो आगे पीछे के भाग है और ये बाजू बन गई है। कितनी सुंदर बनी है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ना तो ये बच्चे को ज्यादा टाइट आएगी ना लूज आएगी। तो आपने 40 फंदे ही रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हाथ लूज है तो थोड़े कम रख लीजिए। ये देखिए गले से लेके जहां तक 9 इंच है, अगर हम गले से नापेंगे बिल्कुल तो 10 इंच है। तो 10 इंच की बाजू जो कि बड़े बच्चे को भी आ जाएगी। अगर आपका आपने 1 साल के बच्चे की हमने बनाई है, लेकिन ये 2 साल तक के बच्चे को भी आएगी आराम से खुली। अगर हेल्दी बच्चा है उसको भी आएगी। तो अगर आपको ये बाजू बड़ी लगती है, थोड़ी सी आप ऐसे फोल्ड करके भी बच्चे को पहना सकते हैं तो भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम जे वाला पोर्शन बनाएंगे और इस बाजू को भी कंप्लीट कर लेंगे। जे बाजू इसलिए हमने बता दी है आपको कि वैसे ही हम उधर बाजू बनानी स्टार्ट कर दी है। जे देखिए, उसके बाद ये बाजू हमने इसलिए पहले बनाई है क्योंकि अगर किसी मेरे व्यूअर्स के पास जे वाली सिलाई नहीं है तो वो क्या करेगा, है ना। तो वो पहले बाजू बना ले, उसके बाद जे वाला पोर्शन उठाएंगे और कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।